इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता से कल ईडी द्वारा पूछताछ किया गया और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि उनके फोन के बारे में ईडी ने पूछताछ की। हालांकि के कविता द्वारा कहा गया कि उन्होंने अपने फोन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, नष्ट नहीं किया है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, आज एक बार फिर से बीआरएस नेता के कविता से ईडी द्वारा पूछताछ की जाएगी। तो तीसरे राउंड की एक क्वेश्चनिंग होगी आपको बता दें आज। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि के कविता से उनके मोबाइल फोन के बारे में ईडी द्वारा पूछताछ की गई, फोन को नष्ट किए जाने पर। हालांकि के कविता ने इस बात को दरकिनार किया कि उन्होंने अपना फोन नष्ट किया। फिलहाल ये बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें सूत्रों के हवाले से कि के कविता पर उनके मोबाइल फोन के बारे में ईडी द्वारा पूछताछ की गई। तो दिल्ली शराब घोटाले मामले में आपको बता दें ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही कि कल जब ईडी द्वारा के कविता से पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में सवालों की कई लिस्ट में वो सवाल भी शामिल था जिसमें के कविता से उनके मोबाइल फोन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की ईडी के अधिकारियों ने। और साफ तौर पर के कविता से ये पूछा गया कि आखिर क्यों उन्होंने अपना फोन नष्ट किया। फिलहाल इस बारे में आपको बता दें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही कि के कविता ने उस एलिगेशन से डिनाई किया है, इनकार किया है कि उन्होंने अपने फोन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ किया है। फिलहाल आपको बता दें आज तीसरे राउंड की जो पूछताछ है वो ईडी अधिकारियों द्वारा के कविता से राजधानी दिल्ली में ईडी दफ्तर में की जाएगी।